मैं अनिल और आपका इस वीडियो पे स्वागत करता हूँ। और मैं टाइटल और थंबनेल देखे तो आपको पता ही चल गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक में होने वाला है। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें नहीं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नए आने वाले वीडियो को आप जल्द से जल्द देख सकें। तो आप अपने फ़ोन को रोटेट कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो आपके फ़ोन में बढ़िया से दिखे, स्क्रीन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारी। चलिए बने रही हमारे वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि आपको देख के हमें भी थोड़ी अच्छा लगे कि वीडियो हमारे कितनी दूर तक पहुंची है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये मेरे स्क्रीन का होम पेज है। अब हमको डाउनलोड करना पड़ेगा पिक्सल लैब, तो प्ले स्टोर चलते हैं। अब पिक्सल लैब यहाँ टाइप करेंगे, देखिए सर्च किया हुआ पिक्सल लैब, उसके बाद देखिए मेरा यहाँ डाउनलोडेड है, तो इसको ओपन करेंगे। चलिए ओपन करते हैं। चलिए ये न्यू टेक्स्ट, इसको डिलीट करेंगे। हमारा उसके बाद इमेज साइज यहाँ चूज करेंगे, देखिए इमेज साइज लिखा हुआ। तो थंबनेल का, यूट्यूब थंबनेल का होता है 6, यहाँ देखिए यूट्यूब थंबनेल लिखा हुआ, तो उसको टच करेंगे, ओके करेंगे। देखिए आ गया है, 16:9 रेशियो होता है इसका, यूट्यूब थंबनेल का। उसके बाद कलर ये चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे लास्ट में इसके बाद देखिएगा यहाँ कलर का ऑप्शन लिखा हुआ है, तो उस पर टच करेंगे। ये देखिए इस तरह ये ओनली कलर आएगा, देखिए ओनली कलर, सिर्फ कलर है इसमें। और आप ग्रेडियंट पे टच कीजिएगा तो देखिए इससे बहुत बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर। देखिए जैसे देखिए यहाँ ब्लैक होके रेड हो रहा है, इधर ब्लैक होके रेड, यहाँ ब्लैक होके वाइट हो रहा है। अब देखिए यहाँ भी आप कुछ मतलब अपने हिसाब से कुछ कर सकते हैं, जैसे इस टाइप में होना, इस टाइप में आपको चाहिए, इस टाइप में आपको चाहिए, किसी भी टाइप में आपको चाहिए, तो इसी मतलब उसी टाइप में हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ लेंगे हम, देखिए और इसी तरह है, तो यहाँ कौन वाले लेते हैं, क्या देख लेते हैं ये वाले, कितनी अच्छा अच्छा लग रहा है देखने में। चलिए ये यही अब लेते हैं। चलिए ये कलर तो हो गया हमारा। अब शेप लेंगे कुछ वाइट, एक से वाइट शेप लेंगे, तो यहाँ देखिए शेप लिखा हुआ, प्लस प्लस के आइकॉन पे, देखिए फिर से दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ प्लस है, प्लस में टच करेंगे, यहाँ शेप लिखा हुआ वाइट शेप लिखा आ जाएगा, वाइट शेप आ गया। इसको अब बड़ा करेंगे थोड़े से, देखिए अब बड़ा करें, बड़ा कर लिए बड़ा, चलिए फुल हो जाओ, चलो फुल हो गया। उसके बाद यहाँ साइन करेंगे, टिक करेंगे, ओके हो गया। उसके बाद हमको इरेज करना है, इसको इरेज करना है। उसके बाद देखिए चलिए यहाँ देखिए इरेज का ऑप्शन होगा, इरेज इरेज पे टच किए, उसके बाद ये वाले बटन पे टच किए, उसके बाद इसको काटना है, तो चलिए किसी तरह काट लेते हैं इसको, देखिए कट रहा है, ये कट रहा है। चलिए ये कट गया। उसके बाद हमको सिर्फ ये मतलब ये जो कटा है उसको लेना है, सिर्फ ओनली फॉर ये, देखिए ये आ गया। चलिए इसको ले लिए, इसको बड़ा अपने हिसाब से कर लेते हैं बड़ा, चलिए हो गया। इसको अब अपने अपने शेप पे ले लेते हैं इसको, चलिए एक किस तरह चाहिए ये हमको, अपने शेप में बैठा लेंगे। चलिए अपने शेप ले लिया ये, उसके बाद फ्रॉम गैलरी पे लेते हैं, फ्रॉम गैलरी वहाँ पे PNG काट के रखना पड़ेगा पहले, देखिए PNG मेरा आ गया। उसके बाद PNG इसको इसको भी अपने शेप में लेते हैं, चलिए परफेक्टली इसको बैठाइए, बैठाना पड़ेगा, चलिए इसको बैठा लिए परफेक्ट, चलिए चलिए बैठ गया ये परफेक्टली। ये अब यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा जैसे यूट्यूब थंबनेल के बारे में, जैसे हम थंबनेल बना रहे हैं तो उसी के बारे में कुछ लिख देते हैं यहाँ पर, यही वीडियो हम अपलोड करेंगे और यही मेरा थंबनेल रहेगा इस वीडियो का, यही थंबनेल रहेगा। तो अब कुछ लिखते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ न्यू टेक्स्ट,
चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हुए, यहाँ न्यू टेक्स्ट तो आ गया हमारा यहाँ पे। चलिए फिर से न्यू टेक्स्ट दिखाते हैं आपको, डिलीट कर दिए। यहाँ देखिए न्यू टेक्स्ट ए लिखा हुआ है, उसमें न्यू टेक्स्ट, फिर ऊपर में टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको टच करेंगे, फिर एडिट। यहाँ पे देखिए आ गया न्यू टेक्स्ट हमारा, इसी पे टच करेंगे, एडिट करेंगे टू मेक मेक, हाँ टू मेक आ गया है। उसके बाद इसी को अब यहाँ लॉक कर देंगे क्योंकि ये हिले ना। उसके बाद फिर से यहाँ थंबनेल लिखेंगे, आ गया न्यू टेक्स्ट। न्यू करेंगे यहाँ थंबनेल, चलिए यहाँ कॉपी किया हुआ तो इसको पेस्ट कर देंगे। थंबनेल टी बड़ा होना चाहिए, टी थंबनेल। उसको ले आएंगे यहाँ पर, चलिए इसको अनलॉक करेंगे। उसके बाद फिर से इसको बैठाएंगे। अब इसको फॉन्ट लेंगे, देखिए कितने बढ़िया बढ़िया फॉन्ट है यहाँ पर। चलिए इधर के फॉन्ट 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 देखिए यहाँ फॉन्ट। चलिए ये लेंगे ब्लॉगर, यही लेंगे, देखिए आ गया बेस्ट। ये भी लेंगे उसी वही वाला, देखिए बहुत सारी अपने हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हैं, इसको भी वही रहने देंगे। चलिए अब इसको कलर करेंगे, कलर करेंगे इसको, देखिए यहाँ कलर, यहाँ कलर का भी ऑप्शन है, देखिए कलर का कलर। अब उसको कोई भी कलर लेंगे, चलिए एक कुछ इंटरेस्टिंग मतलब कुछ अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव कलर डालेंगे क्योंकि कोई भी देखे तो उसको नज़र आना चाहिए। चलिए यही कलर ले लेते हैं। अब ऊपर वाला को क्या क्या लेंगे, चलिए इसको ग्रीन, इसको कौन सा लें, येल्लो ले लेते हैं इसको, येल्लो। तो अपने हिसाब से आप कोई कलर यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। चलिए येल्लो, चलिए येल्लो हो गया। चलिए इसको बैठा लेते हैं शेप पे, चलिए इसको अब बढ़िया से करते हैं। चलिए इधर आते हैं, इधर आते हैं, इधर आके देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए इसको ऑन करेंगे तो देखिए कुछ मतलब आ गया। ब्लैक कर देंगे अपने हिसाब से, देखिए ब्लैक करने थोड़ा सी चेंज लग रही है। इसको भी करेंगे, इसकी इसको ब्लैक कर लेंगे। ऐसा थंबनेल होना चाहिए कि अट्रैक्टिव लगे वीडियो, अट्रैक्टिव होने से ही लोग देखेगा। चलिए तो यही रहने देते हैं, यही रहने देते हैं। तो अब फिर से आगे करते हैं, आगे क्या करें, आगे फिर से यही देखें, ग्रीन हो गया, ये हो गया। फिर से जो 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 आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अट्रैक्टिव थोड़ी सी लग रही है, येलो ही रहने देते हैं क्योंकि इंटर वाला येलो रहे तो बढ़िया लगेगा देखने में। चलिए इसको अब, चलिए इसको भी, इसको भी उसी तरह से करेंगे। चलिए ये देखिए इसको हो गया, ये ब्लैक ही है, ऑटोमेटिक ये ब्लैक ही ले लेंगे। चलिए इसको भी ग्रीन या कुछ अट्रैक्टिव कलर डालेंगे, इसको भी येलो डाल दिए बाहर में, इसको भी कुछ ये ग्रीन रहने देते हैं। चलिए अब यहाँ पर कुछ देख लेते, अब रहने देते हैं। अब यहाँ कुछ मतलब लोगो वगैरह कुछ डाल देते हैं फ्रॉम गैलरी पे, फिर जैसे जाएंगे उसके बाद यहाँ देख लेंगे है क्या क्या है, मतलब यूट्यूब का लोगो हमको देना है यहाँ पर। यूट्यूब का देखिए, यूट्यूब का PNG यहाँ डाउनलोड किया हुआ है, तो आप PNG डाउनलोड कर लीजिएगा अपने। उसके बाद यहाँ इसको कुछ टेढ़ा करके देखिए, अब यहाँ अपने थंबनेल कुछ पुराने थंबनेल डाल देंगे, मतलब उसको पहले सबको लॉक कर लेते हैं, देखिए सबको लॉक कर लेंगे ताकि ये अपनी जगह से ही लेना। उसके बाद चले फिर से फ्रॉम गैलरी पे जाते हैं। उसके बाद एक मनोज भाई का भी डाल देते हैं ताकि ये बढ़िया लगे देखने में, छोटा कर देते हैं इसको, भाई छोटा हो जाओ। चलो ये छोटा हो गया,
रेक अपनी डाल देते हैं। चलिए फिर से फ्रॉम गैलरी पे, मेरा थंबनेल किधर चल गया, एक इसको भी डाल देते हैं वहीं पे, इसको भी छोटा कर लेते हैं। थोड़ी सी बगल, इसको भी थोड़ी सी बगल, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के लिए हमको इस वाले बटन पे टैप करना है, उसके बाद देखिए यहाँ ड्रॉ का ऑप्शन है, यहाँ भी ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद चलिए अब मनोज भैया के भी इसमें ड्रॉ कर देंगे। चलिए ये, चलिए ख़राब हो गया थोड़ा सा, चलिए फिर से वहीं पे जाए। ये हो गया, अब मेरा वाला हट गया ना, चलिए इसको भी कर लेंगे। चलिए मेरा वाला में भी ड्रॉ कर लेंगे कुछ, मतलब कुछ ये जैसे टंगा हुआ दिखना चाहिए थंबनेल, ताकि देखने में बढ़िया लगे। चलिए इसको भी, मेरा वाला को भी ड्रॉ कर लेंगे, उसको रेड कलर ही करेंगे। चलिए इस तरह से कैंसल, फिर से ड्रॉ, फिर से इस तरह से। देखिए ये वीडियो के ऊपर में आ गया, मतलब फ़ोटो के ऊपर में आ गया है, तो उसको फ़ोटो के बैक में करने के लिए हमको इसके, देखिए ये वाला मेरा वाला ऊपर वाला, तो इसको इस तरह करके नीचे कर देंगे। देखिए फ़ोटो के नीचे आ गया। अब इसी तरह मनोज भैया वाला में भी करेंगे, इस तरह से आके इस तरह से नीचे हो गया। देखिए देखिए आ गया नीचे। अब इसको भी लॉक कर देंगे। चलिए एक खाली जगह पे यूट्यूब शॉर्ट का भी मतलब PNG लगा देते हैं। देखिए फ्रॉम गैलरी पे गए फिर से यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सारी की सारी कॉपीराइट फ्री है, आप क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। देखिए अब फिर से इसको साइज छोटा करेंगे, छोटा साइज, देखिए इसको थोड़ा सा टेढ़ी टेढ़ा कर लेंगे। देख लीजिए बैठ गया अपनी जगह पर, ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक लग रही है, देख लेंगे। चलिए अब इसको फिर से अनलॉक, इसको लॉक लॉक कर लेंगे, फिर ये वाले अनलॉक करेंगे फोटो, ताकि इसको अब मतलब अपने कलर में थोड़े बहुत कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे आके, इधर आके देखिए कुछ यहाँ पर कुछ अट्रैक्टिव लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि ये दिखे बढ़िया। देखिए बॉर्डर यहाँ पे चेंज हो रहा है, बॉर्डर देखिए यहाँ बॉर्डर कुछ लगा देते हैं को, चलिए यही येलो, चलिए यही ब्लू रहने देते हैं बॉर्डर। अब यहाँ देखिए अब कुछ कुछ चेंज होगा, देखिए आ गया चेंज ब्लैक, अब फिर से चेंज होगा इंटरनल पार्ट इसका, कुछ चेंज होगा ब्लैक ब्लू रेड, चलिए काला ही रहने देते हैं अब, ठीक है। अब मनोज भैया वाला हम करेंगे, इसको फिर से लॉक कर लेंगे, इसको अनलॉक करेंगे, इसको अनलॉक कर लेंगे, इसको लॉक कर दिए, सब देखिए लॉक है, सिर्फ मनोज भैया वाला अनलॉक है। इसी को टच करेंगे फिर से, देखिए फिर से आपको बॉर्डर वाली लाइन पे यहाँ पे रेड कर लेंगे, रेड करते हैं इसको, चलिए रेड हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे इधर आके फिर से उसके साइड वाली ब्लैक ही रहने देते हैं, ये ऑटोमेटिक ब्लैक फर्स्ट में ब्लैक आएगा। उसके बाद फिर से इंटरनल पार्ट भी देखिए आ गया येलो, रेड ही रहने देते हैं, चलिए रेड हो गया। इसको भी लॉक कर दिए, मेरा वाला थोड़ा उसको भी थोड़ा कुछ चेंज कर देते हैं, बढ़िया नहीं लग रहा देखने में। अब इसको येलो ही कर देते हैं, येलो नज़र नहीं आ रहा, बट चलिए येलो कर दिए, इसको भी लॉक कर दिए। अब ये देखिए परफेक्ट मतलब बन चुका है ये थंबनेल, उसको ऐड वहाँ पे यूट्यूब में लगाने के लिए, यूट्यूब वाले को भी कुछ कर देते हैं। चलिए यूट्यूब शॉर्ट को पहले अनलॉक किए, इस यूट्यूब शॉर्ट को लगा कच करेंगे पहले। चलिए इसको भी थोड़ी सी कलर कर लेंगे, इसको साइड ये बैकग्राउंड वाला थोड़ी बहुत हम देख कर लेते हैं, चलिए येलो येलो कर दिए इसको। इसके बाद यहाँ देखिए ये ब्लैक ही ऑटोमेटिक ब्लैक ही रहेगी ये,
रेड, इसको रेड कर देंगे। चलिए यूट्यूब शॉर्ट तो हो गया हमारा, अभी यूट्यूब वाले लोगों को कर लेते हैं। जिसको इसको अनलॉक कीजिएगा फिर से वो लॉक ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं तो वो अपनी जगह से हिल जाएगी। चलिए इसको भी कर दिए, इसको वाइट रहने दीजिए, बढ़िया लग रहा देखने में। चलिए ब्लैक ठीक है, अब इंटरनल पार्ट रेड ही ठीक है। चलिए अब देखिए ये परफेक्ट मतलब लग रहा देखने में, यूट्यूब थंबनेल लग रहा बढ़िया देखने में, बहुत ही अच्छा लग रहा देखने में। चलिए इसको भी अब लॉक कर देते हैं। अब चलिए अब ये वाली को भी, जैसे मेरे पीछे जो वाइट है उसको भी कुछ कलर कर लेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे यहीं पे आते हैं जैसे उसको किए। चलिए ये रेड है, कितने अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए फिर से इसको करते हैं, फिर से आगे देखिए, फिर से आगे करते हैं इसको, फिर से देखिए ये मतलब जो जिस तरह जिस टाइप में देखिए ये कुछ अच्छी होगी देखने में। फिर से ब्लैक, ये येलो ही रहने देते हैं, मतलब अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में कुछ। देखिए इसको अपने हिसाब से कलर भी चॉइस कर सकते हैं आप। देखिए कलर लिए येलो, ये पिंक आ गया, फिर से इसको येलो ही लेंगे ताकि अट्रैक्टिव लगे देखने में। येलो बहुत अट्रैक्टिव कलर है। चलिए इसको हो गया, अब इंटरनल पार्ट येलो नहीं रेड। देखिए कुछ लग रहा है देखने में कि नहीं कुछ है यहाँ पर, तो अब देखते हैं। चलिए इसको देखिए कौन अच्छा लग रहा देखने में, यही ठीक है। चलिए इसको ब्लू ही रहने देते हैं ताकि, चलिए इसको फिर से लॉक कर लेते हैं। चलिए किधर गया, चलिए नीचे लॉक कर दिया इसके, फिर अपने आप को मतलब मेरा वाला उसको कुछ इसको भी कुछ कलर कर लेते हैं। नहीं ये ठीक नहीं लग रहा देखने में। चलिए अब फिर से यहाँ से, चलिए बढ़िया नाइस लग रहा देखने में। तो आगे आगे देखते हैं, अब इंटरनल पार्ट ब्लू, चलिए ये भी अच्छा नहीं लग रहा देखने में। चलिए तो इसी तरह मतलब आप भी थंबनेल बना सकते हैं मेरे वीडियो देखकर। तो ये देखिए परफेक्ट थंबनेल लग रहा है। अब थोड़े बहुत देखते हैं कलर मतलब नहीं डालते हैं। चलिए हटाइए, अब इसको भी लॉक कर लेंगे, लॉक हो गया ये भी। अब इसको एक्सपोर्ट करना है हमको। एक्सपोर्ट करने पर ऊपर में देखिए थ्री डॉट का एक बटन है, उसको क्लिक करेंगे, या देखिए एक्सपोर्ट इमेज, तो इसको टच करेंगे। अब यहाँ पर हाई पे करेंगे, यहाँ पर कस्टम पे हाई टच करेंगे। देखिए हाई, वेरी लो, इसी तरह लो, वेरी हाई, तो हम हाई पे करेंगे। देखिए हाई लिखा गया, अब सेव टू गैलरी इस पर टच करेंगे। देखिए मेरा अब गैलरी में सेव हो जाएगा, देखिए सेव हो गया मेरे गैलरी पे, ऐड आ गया। चलिए अब देखते हैं गैलरी पे देख लेते हैं। देखिए मेरा गैलरी पे आ चुका है मेरा ये, देखिए मेरा गैलरी पे आ गया, देखिए आ गया गैलरी पे। अब यही इस वीडियो पे यही थंबनेल हम लगाने वाले हैं। तो वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो बढ़िया लगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।